السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الله تعالى في القران الكريم والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا

दो खराबियों का तस्करा किया है सबसे पहले तो इस आयत को समझने के लिए इस आयत का पस मंजर जिसको हम तफसीर की जुबान में शान नज़ूल कहते हैं यानी इस आयत के नाजिल होने के पीछे वजह क्या थी पस मंज़र यह है कि नबी करीम सलात वाम ने एक गजबे का इरादा किया तो कुछ मुनाफिक थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि हमारे साथ चलो ग़बे में यानी जंग में तुम भी हमारे साथ चलो तो चूँकि वो मुनाफिक थे और मुनाफिक कहते हैं कि दिल में कुफर को छुपाए और जाहिर में मुसलमानों के साथ रहे उठे बैठे इस्लाम को ज़ाहिर करें। तो रब करीम सलातम ने जब उनसे ये बात कहा तो उन्होंने उज़र पेश कर दी अपने आप को माजूर साबित कर दिया कि हम जा नहीं सकते इसलिए कि हम माज़ूर हैं तब तो करीमलाम और आपके साथ ही गए तो जब गजबे से पलट कर आए तो ये फ़ौर अल्लाह के नब वम के पास पहुँच गए और फिर मतलब ये इनकी कोशिश ये थी कि हम शरीक तो नहीं हुए लेकिन जो भी कामयाबी जो भी तारीफें हैं वो हमको भी मिले एक तो उधर पेश कर दी और चूंकि मुनाफिक झूठा उधर पेश किया और फिर पलट के आने के बाद वो काम जो इन्होंने किया ही नहीं वो ये चाह रहे थे कि हमारी भी तारीफ़ की जाए और हमारी भी जो है मतलब लोग बड़ाई बयान करें तो ये चूँकि मुनाफिक थे और इस आयत में एक भले इसका एक ख़ास पस मंदर है लेकिन आज के ज़माने में भी अगर हम गौर करें वो चूँकि मुनाफिक थे उनके अंदर नफाक़ एतक़ादी था उनके एहत में अकीदे में नफाक़ था तो आज हमारे अमल में नफाक़ है आज ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि जो ग़लती भी करते हैं और ग़लती पर खुश भी होते हैं जैसे उनके बारे में अल्लाह ने कहा ना कि वाय फ़राहून बीमा अत कि वो एक तो गलती भी कर रहे हैं गलत काम भी कर रहे हैं और अपने करतूत पे खुश भी हैं उनको तो मायूस होना चाहिए था उनको तो क्योंकि तो उनके पास भले उन्होंने उधर पेश किया लेकिन फिर भी उनके अंदर एक हसरत होनी चाहिए थी अफ़सोस होना चाहिए था कि हमने ये काम नहीं किया लेकिन उनको कोई परवाह नहीं वो खुश हैं वो ऐफ रहूँ अच्छा इससे भी आगे निकल के क्या बात है वो यु हिब्बू बिमालम बीमाफालू अफसोस भी नहीं है और उससे आगे बढ़ के ये ये चाहते हैं कि जो इन्होंने किया ही नहीं उन पर इनकी तारीफ की जाए तो ये एक एकत करीमा से दो बातें और दो पैगाम आज हमारे माशरे में और हमारे लिए वो क्या है कि जब भी हमसे कोई गलती हो जाए या अल्लाह उसके रसूल की अत में हमसे कोई कमी कोताही हो जाए भले उज़र की बुनियाद पर हमारे पास माक़ूल उज़र ही क्यों ना हो हमको अगर इस बात का इम है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस इबादत को किसी उजर शराइ की बुनियाद पर माकूल उज़्र की बुनियाद पर नहीं कर रहे हैं तो आदमी के दिल में मेरे भाइयों कहीं ना कहीं हसरत होनी चाहिए कि काश मैं ये काम एज़ इट इज़ जैसे इस इबादत को ये काम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है मैं इस काम को वैसे ही करता ऐसे कितने लोग हैं माजूर हैं मस्जिद नहीं आ सकते किसी उज्र की बुनियाद पर उजर ही की बुनियाद पर लेकिन देखिए खुश हैं कोई परवा नहीं मेरे भाई और अल्लाह से मांगी हुई दुआओं में जिस तरीके से हम कोताहीियों को जिक्र करके याद करते हैं अल्लाह से दुआ करते हैं और यह दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी कोताहियों को या मैं इबादत में जो खलल है जो कमी है अल्लाह माफ़ करे इस बात को भी याद करना चाहिए कि बहुत सारी इबादतें हैं माकुल उद्र ही सही लेकिन अल्लाह मैं तेरी इबादत का हक अदा नहीं कर पा रहा हूं। अब देखिए एक ताबई है आमिर बिन आब्दुल्ला बिन जुबैर तो वो मौत में मुबला हुए यानी एक ऐसी बीमारी कि बस उसके बाद उनको मौत आ गई तो उन्होंने अज़ान की आवाज़ सुनी चलने फिरने की ताक़त नहीं थी तो उन्होंने कहा कि मुझको ले चलो मस्जिद तो लोगों ने कहा कि अंत मज़ूर फकाल अंत मज़ूर तुम माज़ूर हो भाई तुम माज़ूर हो तुम्हारे पास माक़ूल उजर है बीमार हो और बड़ी बीमारी के अंदर मुबला हो तुम मस्जिद नहीं जा सकते हो तुम तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से मौज़िन जो आवाज़ लगा रहा अल्लाह के बुलाने वाले की तरफ़ से मैं उसकी आवाज़ को सुनूं और मैं जवाब ना दूं यानी अल्लाह का बंदा पुकारने वाला अल्लाह की तरफ़ पुकार रहा कि आओ नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद आओ और मैं सुन भी रहा हूँ और मैं उसका जवाब ना दूँ बहरहाल वो मस्जिद गए और पहली सब में भी खड़े हुए पहले रक़ात में ही थे कि वफात हो गई तो कहने का मतलब यह है मुनाफिक मतलब एक तो झूठा उजर पेश करता है और अपनी गलती पे खुश होता है अपनी कोताही पर अफसोस के बजाय उसको खुशी होती है लेकिन मोमिन की पहचान यह है कि उज़्र की बुनियाद पर ही सही अगर कि, कि, किसी काम को किसी इबादत को वो सही ढंग से नहीं कर सकता है नमाज उसको पढ़नी थी नमाज असला कैसे पढ़नी है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा किसी उज़र की बुनियाद पर तो उसको बहुत मतलब ऐसा नहीं कि भूल जाना चाहिए अपने उज़्र का अपनी कोताही का उसको एहसास होना चाहिए पहली बात कि आदमी गलती करे तो माफ़ी मांगे उसकी असलाह की कोशिश करें उस पर खुश ना हो और दूसरी चीज़ यह है कि आदमी यह तो ना रखे आदमी अपने काम पर अपनी मेहनत पर अहतम करे यह कोशिश ना रखे कि मैं जो काम नहीं किया हूँ तो जाके मुझको उसकी क्रेडिट मिल जाए इसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं बिल्कुल घात में होते हैं तमाशाई बने पहले बैठ के देखेंगे कोई भी काम हो माशरे का काम हो दीन का, का काम हो कोई भी काम घात में लगे रहेंगे तमाशाई बन के अगर काम बिगड़ने वाला होगा तो वहाँ से निकल लेंगे हमारी मुंबई की जबान में एक लफ्ज़ है क्या कहते हैं उसको कल्टी मार ले इसको कहते हैं कल्टी मारना पहले तमाशाए बन के देखेंगे जैसे देखेंगे कि इसके हाथ से काम नुकसान होगा तो वहां से फौरन निकल जाएंगे ताकि गवाह भी ना रहूं कोई कह भी ना सके कि मेरी मौजूदगी में काम गलत हुआ है मैंने किया है तो दूर की बात यह कह सके कि मैं था ही नहीं वहां पे फौरन निकल लेंगे अच्छा अगर काम हो गया तो फिर क्या फिर फटाक से फ़ौरन पहुंच जाएंगे थोड़ा सा दाएं बाएं हूं हां ये सब करके और क्रेडिट ले लेंगे देखिए इंसान की फितरत है मेरे भाई इंसान उसके अंदर है कि मेरी तारीफ़ की जाए उसके अंदर ये बात है और बस अवकात ये भी बात आ जाती है कि जो काम मैंने नहीं किया है उस पर भी मेरी तारीफ़ की जाए चलिए यहाँ तक ठीक है लेकिन ये कि किसी ने कोई काम किया है मेहनत की है मजदूरी की है कोई काम उसने किया है उस काम को उसने अंजाम दिया है और आप जाकर लोगों के सामने यह जाहिर करें ऐसे अंदाज़ में आप लोगों के सामने बात रखें और आपका यह रवैया यह तर्ज अमल हो कि गोया लोग ये समझें कि आप ही ने इस काम को किया ये गलत काम है फिर आप मुजरिम ठहरेंगे फिर ये वही ज़ुमरें में आप आएंगे जिसके बारे में अल्लाह ने कहा तहसबन नवी तो मुनाफिक के बारे में कहा लेकिन हमारे लिए भी पैगाम है कि गलती हो जाए तो आदमी को उस पर नादिम होना चाहिए शर्मिंदा होना चाहिए कोई उज़र भी उसके पास हो तो दिल के अंदर अफसोस और एहसास होना चाहिए अल्लाह से अपनी दुआओं में यह माफ़ी मांगनी चाहिए कि मौलया करीम ये तेरी इबादत मुझको करनी थी लेकिन तेरी इबादत कमा हक कहूँ मैं नहीं कर पा रहा हूँ माजूर हूँ मौला तो मुझको माफ़ कर दे नीयत अगर खालिज रखे तो इन शाला आप उस इबादत को एज इट इज़ जैसा उसको करना चाहिए तो वैसे नहीं कर पा रहे अल्लाह तब आपको उसका आदर देगा दूसरी चीज़ कि मेहनत पर अतमाद रखिए और बगैर काम के बगैर मेहनत के मतलब फल और नतीजे की उम्मीद ये बेवकूफ़ी है ये पागलपना है अल्लाह ताला मेरे भाइयों हम लोगों को इन दोनों जो है खराबियों से महफूज रखें आमीनक वरहमत लाला वबरकू ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्लान